ये भी बड़ा मुश्किल है एक्चुअली बोलना, क्योंकि मौत तो दोनों में है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है कालूसराय सेंटर पे। मेरी क्लास आज डिजिटल बोर्ड में है, मैं कालूसराय सेंटर पे हूँ। और वो देखिए, क्वेश्चन चल रहा था मेरा, मैंने बीच में ब्रेक दिया हुआ है। और बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा आप देखोगे तो ये स्टूडियो बनाया है मेडी जी ने। कल मैंने आपको कक्कड़ सर का स्टूडियो दिखाया था, और आज आपको दिखा देता हूँ मेडी जी का स्टूडियो। मतलब एट पार लेवल इंफ्रा एंड फैसिलिटीज फॉर द फैकल्टी एज वेल एज फॉर द स्टूडेंट्स। ऊपर की लाइटिंग वगैरह बिल्कुल वैसे ही जैसे कक्कड़ सर के यहाँ आपको मिलेगा, वैसे यहाँ भी है। स्टूडियो थोड़ा सा बड़ा है, ये न्यूज़ रूम के लिए हिसाब से भी है। यहाँ पे आप इंटरव्यू वगैरह भी कंडक्ट करा सकते हो। काफ़ी प्यारा इंटीरियर है। और आप एक चीज़ तो हमेशा देखोगे, मेडिजी कभी भी क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करता। कुछ भी हो जाए, चाहे वो स्टूडेंट मटेरियल हो, स्टडी मटेरियल देना हो स्टूडेंट्स को, कंटेंट की बात हो, टेस्ट सीरीज की बात हो, इंफ्रा की बात हो, फैकल्टी की बात हो, किसी भी चीज़ में मेडिजी कंप्रोमाइज़ कभी नहीं करता। तो मैंने ये देखा है, बी सिंह सर के साथ इतने साल से, 10-12 साल से हूँ, और कुछ भी हो, मतलब मैंने हर हमेशा वो देखता, बोलते वो ये बोलते हैं हमें लंबे टाइम के लिए काम करना है, जो बढ़िया हो सके सबसे बेस्ट वो लगाएंगे हम। चाहे आप कैमरे की बात करो, चाहे लाइटिंग की बात करो, चाहे बाकी कंटेंट टीम, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया। तो मेरी यहाँ क्लास 2 बजे तक है। 2 बजे तक क्लास होने के बाद मैं निकलूँगा, देखता हूँ कुछ फैकल्टी वगैरह मिलेंगे, हो सकता है कुछ मैनेजमेंट टीम के लोग मिले, और कोशिश होगी कि आपकी भी मुलाकात करवाते हैं। न्यू ब्लॉग, और आज है 51st ब्लॉग, और हाफ सेंचुरी तो पूरी होगी, अब बचे हाफ, लेट्स सी। और आज कुकू ने बहुत अच्छी हेयर स्टाइल बनाई है, और कप्पू जी बने हैं। कप्पू के पापा क्या कह रहे थे, तुम नेहरू जी जैसे बने हो आज। एक टोपी लगाने की कमी है बस। ऐसे पीछे हो भाई, पीछे हो। वाह, बहुत प्यारा जूड़ा बनाया है आज कुहू ने, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है आज मेरी माँ, है ना। और कप्पू क्या खा रहा है, दो दिन के खेलना, खाना खा रहा है लड़का अपने आप, कितना अच्छा बच्चा है। सीधा मौसम गाइस, क्या मौसम हो रहा है, जबरदस्त। वहाँ सामने देखिए गार्डन में पानी भरा है, कल रात से बारिश हो रही है नॉन स्टॉप, ये देखिए। ऐसे मौसम में याद आ रहे हैं इंदौर और सांवेर के भुट्टे, वो मिल जाते तो मज़ा ही आ जाता। भजिए तो हम लोगों ने सुबह खा लिए थे, पर भुट्टे मिल जाते तो मज़ा आ जाता। वी, और ये लड़का यहाँ एंजॉय कर रहा है। नेहरू जी, ओ नेहरू जी, अच्छा लग रहा है मौसम। चलो चलो चले अंदर, थोड़ा सा खाना बाकी है तुम्हारा। और ये देखिए, तगड़ी बारिश शुरू हो चुकी है, बहुत तेज है बारिश। गजब गजब। दोस्तों निकल चुके हैं टीना और भैया के साथ वापस आज घूमने फिरने, है ना। मतलब आप कह सकते हो शाम का टाइम घूमने फिरने का ही है, उसको यूटिलाइज कर लिया जाए। आज जा रहे हैं हम लोग गुड़गांव की साइड, देखते हैं गुड़गांव की साइड क्या कैसा सीन है, आपको दिखाते हैं। सुबह क्लास आपको दिखाई थी ऑलरेडी, आज
कालूसराय सेंटर स्टूडियो दिखा चुका हूँ, अब दिखा देता हूँ गुड़गांव। और अब अपन पहुंच चुके हैं खिटौरनी मेट्रो स्टेशन। मेरे व्लॉग बनाने के चक्कर में आजकल भैया को ड्राइव करना पड़ता है ना भैया? यस। पर कोई नहीं, भैया बहुत बढ़िया ड्राइव करते हैं, नो टेंशन है ना। हम लोग जब मनाली जाते हैं घूमने गए हैं, आधे रास्ते मैं दबा देता हूँ और आधे रास्ते भैया, पता ही नहीं चलता। और मुझे, मैं जो गाड़ी चलाता हूँ उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस भैया के ऊपर है। वैसे बता रहा हूँ, सही बात यह है कि नॉर्मली डर लगता है जब कोई दूसरा और चलाने लगता है तो डर लगता है, भैया चलाते मुझे डर नहीं लगता। इधर तरफ मेडिजी का सेंटर हुआ करता था, यहाँ से जाके इधर पूरे शोरूम्स हो गए हैं। ये देखिए गाइस, ये है आम का चटोरा। अब चूंकि कपड़े पहन के आम खाने में थोड़ी दिक्कत होती है, कपड़े गंदे हो जाते हैं जिससे निशान जाता नहीं है, तो ये साहब ने कपड़े उतार दिए हैं ऊपर के। कैसा है? अच्छा। कहाँ से आया? पप्पू मामा ने भेजा था। पप्पू मामा ने भेजा था? थैंक यू बोल दो उनको। थैंक यू पप्पू मामा। एंजॉय। एंजॉय। तुम एंजॉय करो। अच्छे से खाओ। बिल्कुल। कैसा है वैसे टेस्ट में? नहीं, कीड़े वीड़े नहीं है। ये आम गिरते हैं ना पेड़ से, तो ऐसे निशान बन जाते हैं। बहुत टेस्टी है, यम्मी है ना? कितने यम्मी है? कितने यम्मी है? बहुत यम्मी है। ओके। ये देखिए, मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन चल रहा है और इसमें एक उम्मीदवार और आ गया है, कुहू पांडे। ए, होली नहीं खेलनी भाई, खाना है। बस बस आराम से कप्पू। बहुत बढ़िया, लगे रहो मुन्ना भाई। मुन्ना तो क्या हो? कल्प कुहू। तो दोस्तों आ चुके हैं नीचे, डिनर का टाइम। भैया डिनर में, डिनर का टाइम हो चुका है। कहाँ है टीना? का है टीना, अपना वार्डरोब अरेंज कर रही है। आओ आज छापा मार के आते हैं वार्डरोब में। चलिए देखते हैं, आपको दिखाता हूँ, बोल रहा था ना वार्डरोब, देखते हैं छापा मारी। टीना कौन आया? ये देखिए, ये देखिए, क्या कर रहे हो? कपड़े जमा रहे हो? हाँ, मैं जस्ट। अरे बाप रे, ये क्या बैग है? नहीं नहीं, ये क्लोथ्स है मेरे, ड्रेसेस हैं जो अभी खुले ही नहीं। हाँ, पैक खुलती है, पैक होती है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये ड्रेस भैया के ड्रेसेस उधर सिर्फ एक दो कबर्ड में है छोटे से, और इनके देखो, ये मेरा विंटर्स कबर्ड है। विंटर्स जिम वेयर, जिम वेयर, ये देख रहे हैं आप, सिर्फ ये जिम वेयर वाला है, ये वाला दोस्तों सिर्फ जिम वेयर वाला है। बाप रे, ये मेरे ड्रेसेस हैं अभी।
ओके अभी ऊपर भी ध्यान और बता रहा हूँ ये देखने के बाद तो कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को सदमा लगने वाला है, उनके पास शायद इतनी मेकअप किट और ये सारे सब कुछ नहीं होगा, मुझे ज्यादा नाम भी नहीं पता, कॉस्मेटिक्स परफ्यूम्स देख लो आप कलेक्शन ओके और इधर देखो इधर समर भैया इनकम टैक्स का छापा पड़ सकता है तो और आपको मैं बोलता था ना कि यहाँ चेंजेस होते रहते हैं ये देखिए ये ब्लैक था ये जो आप देख रहे हो ना बॉर्डर है ये पहले ब्लैक हुआ करता था और अब ये व्हाइट हुआ है जिस दिन मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ इंटीरियर कभी भी चेंज होता रहता है उसके अगले दिन ही चेंज हो गया ये और अभी मतलब हो सकता है फिर आपको 4-6 दिन में कुछ चेंजेस मिलते रहे तो भैया के घर में चलता रहता है ये छोटे वाले जो कपड़े ना उधर वाले उसमें भैया के कुछ छोटे हाँ इसमें छोटे छोटे मतलब कुछ कपड़े भैया के होते हैं मतलब सारे विंटर समर सब इसी में आ गए और इधर देख लो बाप रे अभी तो पूरा बेड भी कपड़ों से भरा हुआ है ओहो ये बेड के नीचे भी इनके कपड़े हैं इसमें बॉक्स में बहुत सारे कपड़े इनके हैं ये नॉर्मली वो क्लोथ्स हैं इनके जो फ्रीक्वेंटली अभी यूज में है मतलब ट्रेंड में है और जब आउट ऑफ ट्रेंड हो जाएंगे फैशन हो जाएंगे तो अंदर चले जाएंगे नए और आ जाएंगे इस तरह का है तो खैर मैं भैया से कुछ पूछने वाला था देखो बहुत कम लोगों की किस्मत होती है दूसरी शादी की भैया की अरेंज मैरिज भी हुई और लव मैरिज भी तो भैया से मैं पूछ रहा था ये पूछना चाह रहा था कि आपको क्या डिफरेंस समझ में आता है कि लव मैरिज पहले अरेंज मैरिज हुई फिर लव मैरिज जैसे अपन बात करते हैं मैं गवर्नमेंट जॉब में था प्राइवेट जॉब में आया वैसे मैं भैया से ये पूछ रहा हूँ कि अरेंज मैरिज और लव मैरिज में क्या डिफरेंस है भैया कुछ समझ में आया आपको ये भी बड़ा मुश्किल है एक्चुअली बोलना क्योंकि मौत तो दोनों में है मौत दोनों में बस फर्क ये है कि देखो अरेंज मैरिज में आपको इज्जत बाद में मिलती है धीरे 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 आप एक दूसरे को जानते हो तो आपको पहले रिस्पेक्ट मिलती है बहुत अच्छी और लव मैरिज में ऐसा है वो रिस्पेक्ट खत्म हो चुकी होती है जब तक आप शादी होती है बस ये डिफरेंस लगता है मतलब आप लव मैरिज अगर करो तो बहुत ज्यादा सोचो मत का आपको बहुत इज्जत मिलने वाली है ना मतलब आप पहले से ही सब रफ एंड टफ हो चुके होते हो मेंटली प्रिपेयर हो चुके होते हो आप एक दूसरे की सारी खामियां जान चुके होते हो इसके लिए है ना तो मतलब झटका नहीं लगता कह सकते हो आप लोग है ना मतलब ये जैसे अरेंज मैरिज में थोड़ा सा झटका लगता है यार ये भी करता है ये भी करती है अरेंज मैरिज में आप सारी खामियां जानते हो मतलब आपको पता है लड़की आपको खाना बना के नहीं देने वाली है ना आपका कपड़े नहीं धो रही सारी चीजें आपको पता होती हैं तो मतलब आप कह सकते हो लव मैरिज में थोड़ा सा फायदा है लव मैरिज में सब कुछ पता होता है और मालूम सबसे बड़ा डिफरेंस अरेंज मैरिज में आप माँ बाप को गालियां दे सकते हो लव मैरिज में उनको बिल्कुल गाली नहीं दे सकते उनकी कोई गलती नहीं सारी गलती आपकी है हमारी होती पहले हम उनको ब्लेम करते थे देखा अब वो हमें ब्लेम करते चलो दोस्तों हम आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए अगर आप नए आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए हम आपसे फिर मिलते हैं कल बाय दोस्तों मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में जरा हिम्मत तो कर सपने बदलेंगे हकीकत में जरा मेहनत तो कर